नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या नेजा। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं, वो कोई आम नहीं, बेहद खास है, क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई ही, शायद ही कोई कर पाएगा। तो मैं आपको मिलवाती हूं नन अदर देन, हमारे साथ आज मौजूद हैं अजय राणा जी, अच्छा, जो कि CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपनी का मोटिव क्या है, ये कंपनी करती क्या है, सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। पर उससे पहले मैं आपको एक और खास और बेहद अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे देश का ट्रेंड है कि हम अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये शख्सियत USA से एक अच्छे ब्रांड की जॉब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका स्वागत करना तो बेहद बनता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, MH1 के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और दिव्या जी आपको भी। जी जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी सर कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे देश में आजकल के यंग जनरेशन जो है अपना देश छोड़कर बाहर जाने के लिए सब मादा रहते हैं, लेकिन आप USA के एक बड़ी ब्रांड छोड़कर, एक अच्छी जॉब छोड़कर इंडिया आए हैं, क्या मोटिवेशन थी आपकी? दिव्या जी, एक जज्बा था कि देश के लिए कुछ करें जी। मैं अमेरिका में सबसे बड़ी बीज कंपनी में काम करता था और मैंने उस कंपनी में 15 साल जॉब किया, भारत में भी अमेरिका में भी। वहाँ की सबसे बड़ी फसल है मक्का और मक्का में उनकी उपज है 9 टन 10 टन प्रति हेक्टेयर। हमारे देश की सबसे बड़ी फसल है धान जी। और 110 मिलियन एकड़, करीब 11 करोड़ एकड़ में धान लगती है और हमारे यहाँ धान की उपज है 3.5 टन पर हेक्टेयर। अमेरिका में बहुत कम क्षेत्रफल में धान लगती है, वहाँ पे करीब 30 लाख एकड़ में धान लगती है, लेकिन वहाँ पे उत्पादन है 9 टन प्रति हेक्टेयर। चाइना में जो धान का उत्पादन है वो 6.5 टन पर हेक्टेयर है जी। तो मैं हमेशा, मेरे दिल में ये रहता था कि भी मुझे एक मौका मिले देश में जाके, जो हमारे किसान हैं, हमारी खेती है जी, उसमें भी हम नंबर वन हो सकें। देखिए, IT के क्षेत्र में भारत का बहुत नाम हुआ है, कृषि के क्षेत्र में भारत का नाम करने की बहुत संभावनाएं हैं और धान जैसी फसल जो हमारी सबसे बड़ी फसल है उसमें कुछ काम करने का मौका मिले जी। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, देश में जाएंगे और एक नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जैसे हम अपने उत्पाद के बारे में बताएंगे। सो ये जज्बा था, इसको लेके हम, मैं भारत आया और ये कंपनी की शुरुआत की और वो नई टेक्नोलॉजी के लेके आए। सर, मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं वो जो पहला कदम होता है वो लेना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने वो पहला कदम कैसे लिया, किस तरह से स्टार्ट किया इस सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग डरते हैं कि भाई नया काम करने से, भारत में भाई नई कंपनी बनाना है, काम शुरू करना है। देखिए, 70-80% काम हमने ऑनलाइन कर लिया था, 70-80% रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी वी डिड ऑनलाइन, देन वी यूज्ड ए लॉ फर्म एंड दे वर गुड पीपल। सो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की अक्टूबर 2010 में एंड मैं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में, वन मैन आर्मी, एक आदमी से शुरुआत की थी। 6 महीने कंपनी मेरे घर से ही चली है, देन वी मूव टू एन ऑफिस, वी हैड HR, सब हमने जो और फंक्शन है वो आए। जैसे कि आपने बताया कि एक वन मैन आर्मी से आपने शुरुआत की थी, तो आज कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? दिव्या जी, आज हमारे साथ करीब 250 लोग हैं और ये गुड़गांव में हमारा जो मुख्य कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, UP में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, तेलंगाना में हैं, बंगाल में हैं, आसाम में हैं, तो काफ़ी प्रदेशों में, और गुजरात में हैं, हम करीब 12 प्रदेशों में अभी काम कर रहे हैं और 250 लोगों की टीम है हमारी, और सबसे बड़ी टीम हमारी किसान है, क्योंकि हम जो सीड प्रोडक्शन है, बीज का उत्पादन है, वो भी किसानों के पास ही करते हैं। बीज ऐसी चीज़ है कि वो फैक्ट्री में तैयार नहीं होती है, बीज तो खेत में ही तैयार करना होता है। तो हमारा किसानों के साथ अनुबंध है वार्षिक और हम करीब 500 किसानों से भी जुड़े हुए हैं और उनके परिवारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे साथ जुड़ने के बाद, सीड प्रोडक्शन में आने के बाद उनकी आय में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ, तकरीबन उनकी आय दोगुना हो गई है। और ये सीड प्रोडक्शन भी हम
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो कृषि से जुड़े हुए हैं कि हम पहली कंपनी है जिन्होंने उत्तर भारत में ये स्मार्ट धान का बीज उत्पादन शुरू किया और बहुत सारे परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, करीब 500 किसान, विकसित किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने बताई हैं, आई एम श्योर लोग भी ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड होंगे कि सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड उनके लिए क्या काम करता है, कैसे करता है और क्या कुछ आप आम लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया भाई हम खेती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो ग्राहक है, फोकस है, वो किसान है। और किसान हमारी आबादी का बहुत बड़ा, आप करीब 55-60% फैमिली और जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है। अगर देश को विकसित होना है, ठीक है, इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे किसानों की आय, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, स्मार्ट धान हम बोलते हैं, स्मार्ट राइस टेक्नोलॉजी, ये न्यू जनरेशन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है। इससे हमने इस तरह के धान के बीज तैयार किए हैं कि जो हमारी पारंपरिक किस्में हैं जो हम लगाते आए हैं, उनसे करीब 25-30% उत्पादन ज़्यादा देता है। फसल 2-3 हफ्ते पहले तैयार हो जाती है और जो किसान को जब फसल जल्दी तैयार हो जाती है, आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या, जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो ये रहता है कि भाई किसान को अगली फसल लगानी है, उनके पास समय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसान उसको पराली को जला देते हैं जो स्टबल्स हैं उसके, और उसकी वजह से जो आप दिल्ली में यहाँ पे पॉल्यूशन देखते हैं वातावरण में, वो भी एक कारण है। तो सवाना सीड्स की टेक्नोलॉजी से ऐसा है कि किसान को 3 हफ्ते ज़्यादा समय मिल जाता है, उनकी फसल सितंबर के आखिर में तैयार हो जाती है, अक्टूबर का महीना किसान के पास है कि भाई वो जो पराली है उसको वो बेलिंग कर सके, चूँकि वो बाद में फॉडर के काम भी आ जाता है, पशुओं के चारे के लिए काम आ जाता है, या उसको प्लो डाउन कर दें, खेत में जुताई कर दें। तो ये भी एक किसान के लिए और वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी हम योगदान कर रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में जो खेती के लिए, किसानों के लिए चैलेंज है, वो है पानी। देखिए, कृषि में दिव्या जी, 90% फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी है जो ज़मीन से निकलता है या हमारी नदियों में आता है, उसका 90% फ्रेश वाटर खेती में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में खबर चल रही थी कि साउथ अफ्रीका के एक शहर में पानी की इतनी समस्या हो गई है कि वहाँ पे दंगे होने की वो संभावनाएं हैं। हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में बहुत जगह सूखा हो जाता है, तो पानी को बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो स्मार्ट धान तैयार किया है उससे करीब 20-25% पानी की बचत होती है। वो कैसे कि भाई, एक तो फसल जल्दी तैयार हो जाती है तो पानी कम लगता है, दूसरा इसकी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं, गहराई तक जाती हैं, वो थोड़ी नमी है उसको भी सोख के अच्छा उत्पादन देते। अभी तक जितनी भी बातें आपने बताई हैं, सवाल तो मैं बहुत सारे पूछना चाहती हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सवाना सीड्स का नाम सवाना सीड्स क्यों रखा गया? देखिए, सवाना सीड्स का नाम हमने बहुत रिसर्च किया जब हम भारतवर्ष में आ रहे थे कि भाई कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। तो हमने काफ़ी सारे नाम आए, 10-15 नाम थे। सवाना फिर हमने पिकअप किया, सवाना का जो हमने चुनाव किया वो हुआ, सवाना अफ्रीका में जो बहुत बड़े ग्रासी लैंड्स हैं, वास्ट ग्रासी लैंड्स, उनको सवाना बोलते हैं। और धान की फसल बहुत बड़ी फसल है हमारे यहाँ, तो हमने बोला भाई एक समानता है, बड़ी फसल है और ग्रीनरी है, और सवाना नाम का चुनाव हमने ऐसे किया। और इसी से जुड़ता हुआ हमारा जो ब्रांड नेम है सवा, और हमारे प्रोड्यूस हैं जो हमारे ब्रांड हैं सवा 127134, सवा हिंदी में सवाना का मतलब होता है सवाया, सवा शेर। तो हमारे जो धान के बीज हैं और जो स्मार्ट धान है वो भी सवा शेर है। सबसे अच्छी चीज़ तो यह कि आप सिर्फ उनको परेशानी नहीं बता रहे हैं, आप उनको समाधान भी बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ है कि आपकी कंपनी ऑलवेज हमेशा कुछ नया से नया लेके आती रहती है आम जनता के लिए, लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए। तो आने वाले टाइम में आप कुछ नया और लेके आने वाले हैं? जी हाँ दिव्या जी, हम लोग देखिए, हमने हमारे जो फ्लैगशिप ब्रांड हैं सवा 127 134, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत पॉपुलर हैं किस धान के किसानों के लिए।
एक हमने नई स्मार्ट धान में एक और नई प्रोडक्ट हम अपना लेके आए हैं, उत्पाद सवा 200 जी। ये खास तौर से उन किसानों के लिए जो आलू लगाते हैं और मटर लगाते हैं धान के बाद। और एक हम बहुत ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, किसानों की बहुत डिमांड आ रही है, हमने थोड़ा उसका एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, सवा लाख। सो जैसे नाम उसका सवा लाख है, ऐसा ही वो उत्पादन में भी सवा लाख जैसा ही है। जी, जी। तो ये दो नए प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, सवा 200 और सवा लाख। सवा लाख इस साल थोड़ी मात्रा में पंजाब हरियाणा के किसानों को मिलेगा। ओके। और आने वाले दो सालों में हम ये स्मार्ट सीडिंग सिस्टम जिसमें किसान सीधी बिजाई कर सके धान की, उसको लेके आएंगे। ये भी ट्रेंड चल रहा है कि कोई ब्रांड आ रहा है तो वो सेलिब्रिटी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी अपने साथ जोड़ लेते हैं, एड्स देते हैं ताकि वो प्रमोट हो और लोग खरीदें। आपने अपने ब्रांड के साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं जोड़ा क्या? आपको अपने ब्रांड पर, आपको अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। और हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, कई बार हम इस पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और ये हम काफ़ी मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसान है जी। अगर किसान को हमारे बीज से ज़्यादा उत्पादन मिला, अच्छा भाव मिला, तो किसान जब बीज खरीदता है वो अपने अनुभव पे खरीदता है या अपने सहयोगी जो आस पड़ोस के किसान है उससे पूछता है, अपने रिश्तेदार से पूछता है जी। तो फार्मर टू फार्मर रिकमेंडेशन सबसे महत्वपूर्ण है। सो हमारा ब्रांड एम्बेसडर दिव्या जी किसान है, इस देश का किसान हमारा ब्रांड है। ये भी एक जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आप भारत के अलावा कोई और देश भी है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं? जी हाँ, हम देखिए बहुत ही यंग कंपनी है भारत में, तो मैं तो बोलता हूँ कि हम तो अभी भी स्टार्टअप हैं जी। लेकिन इतने थोड़े समय में हमने भारत से निर्यात करना शुरू कर दिया। हमारे प्रोडक्ट्स यही सवा 134 और एक 4613 दो हमारे प्रोडक्ट बांग्लादेश जाते हैं जी। बांग्लादेश में ट्रायल के बाद उसका अप्रूवल रजिस्ट्रेशन हुआ है और बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं दोनों, बहुत अच्छी डिमांड है बांग्लादेश में। नेपाल में हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, नेपाल में जाते हैं, और बहुत जल्द हमारे धान के बीज वियतनाम और फिलीपींस में भी मिलेंगे। सो हम सवाना सीड भारत वर्ष को साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का मुख्यालय बना रहा है। हम लोग काफ़ी बड़ा रिसर्च में एक नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये खाली भारत के लिए नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे है। सर, जब आप यूएस छोड़ के इंडिया आए थे और अब आपने इंडिया में इतने अच्छे तरीके से सबको समझाया है कि ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से फ़ायदा होगा आपका, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम से लेके आज के टाइम तक कुछ पॉजिटिव हुआ है? लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है इस चीज़ को लेकर? देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस है दिव्या जी जी, और जो मुझे एनर्जी देता है। ओके। हर दिन के भी जाके काम करना है और चैलेंजेस तो बहुत हैं क्योंकि ये खेती है, खेती निर्भर करता है भाई, कई बार मानसून अच्छा नहीं है, तुम्हारी फसल तैयार है, आंधी तूफान आ गया, बारिश हो गया जी। बहुत बार बहुत अच्छी खबर भी नहीं मिलती है, लेकिन लोगों का जो सहयोग मिला, प्रोत्साहन मिला, और जो हमारे सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, एक चीज़ हमारा कंपनी का कल्चर है, पॉजिटिविटी। देखिए दो तरह के इंसान होते हैं, एक खाली ये देखता रहता है मुश्किलें बहुत हैं, एक इंसान होता है वो देखता है कि मुश्किल का हल क्या निकालना है। और मैं उदाहरण देता हूँ किसान का, देखिए किसान के पास सबसे ज़्यादा मुसीबतें हैं जी। हम लोग आप चैनल का प्रोग्राम बना रहे हैं, स्टूडियो में बनाते हैं, कोई पार्ले जी बना रहा है वो फैक्ट्री में बना रहा है जी। कोई आईटी का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है वो लैब में बैठा है या ऑफिस में बैठा है, पेप्सी कोला है ये सब फैक्ट्री में बनते हैं। किसान एक ऐसा है कि जिसका जो उत्पाद है वो खेत में तैयार हो रहा है, उसकी जो फसल है, उसका जो प्रोडक्ट है वो खेत में है, और खेत में कभी बारिश आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है। तो मैंने बोला देखिए किसान से हम सीख लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि किसान उन मुश्किलों के बावजूद हर साल फसल लगाता है और मुस्कुराता है। सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर कि आप हमारे साथ आए। और इसी के साथ दर्शकों, हमारे आज के इस खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आज जो बातचीत हुई है उसके बारे में जरा गौर जरूर दीजिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार।